आईसीएमआर ने देश के 39 अस्पतालों में 28 दिन तक किया ट्रायल, पाया कि प्लाज्मा थेरेपी और सामान्य इलाज में कोई अंतर नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक प्लाज्मा स्पोर्ट ट्रीटमेंट पहले भी था, आगे भी रहेगा। कोरोना के 2% से 5% मामलों में यह कारगर है। जब से कोरोना वायरस आया है तभी से देश में कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हो रही। दिल्ली समेत देश भर के कई अस्पतालों में बकायदा प्लाज्मा थेरेपी का इलाज भी चल रहा है, लेकिन अब पता चला है कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। यह थेरेपी मृत्यु दर कम करने में भी सफल नहीं है। आईसीएमआर की स्टडी बताती है कि कोरोना केवल प्लाज्मा थेरेपी से नहीं ठीक हो सकती है। हाँ, एक बात और सच है कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जितना सोचा गया था यह उतना कारगर नहीं है। इसलिए आईसीएमआर ने भी कहा है कि इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा नहीं महसूस हो रही है जितनी उम्मीद पहले की जा रही थी। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से उबर चुके व्यक्ति के रक्त से एंटीबॉडीज लेकर उसे संक्रमित व्यक्ति में चढ़ाया जाता है ताकि उसके शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके, यानी इम्यूनिटी आ जाए। आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में पाया कि दोनों तरह के मरीजों प्लाज्मा थेरेपी और सामान्य इलाज की मृत्यु दर में फर्क बेहद कम था। प्लाज्मा थेरेपी को हम उधार की इम्यूनिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसे बीमारी से उबर चुके व्यक्ति के खून से निकालकर मरीज को दिया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, जो कुछ निश्चित समय के लिए प्लाज्मा से चिपक जाती हैं और वायरस के दूसरी बार लौटने पर उससे लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। नेता का आधा काम ना करे, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाएं।